पिछली वीडियो में हमने जाना था मेडिकल गैस के बारे में, तो उसमें हमने जाना था मेडिकल गैस का सोर्स क्या है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। दूसरा जाना था हम जो सिलेंडर आते हैं तो वो किस साइज के होते हैं और उनको कलर कोडिंग से किस प्रकार से पहचानेंगे कौन सा सिलेंडर किस गैस का है। और दूसरा हमने जाना था जो मेडिकल गैस हमें मिलती है तो उसका मतलब सिलेंडर का जो साइज है वो कितने प्रकार का होता है। और अगला हमने जाना था पिन इंडेक्स के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो मेडिकल गैस हमें मिलती है तो उसको हम मरीज को किस प्रकार से डिलीवर करेंगे। तो ऑक्सीजन की जो डिलीवरी डिवाइसेज आती है उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऑक्सीजन की डिलीवरी डिवाइसेज जिनके द्वारा हम ऑक्सीजन मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर, ये लार्ज साइज का है, इसको जंबो सिलेंडर बोलेंगे। और दूसरा ये डी टाइप का सिलेंडर है। दूसरा हमें ऑक्सीजन मिलती थी सेंट्रल लाइन से, जो सेंट्रल स्टोर है तो वहाँ से ये सेंट्रल लाइन के माध्यम से हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती थी। यहाँ से हम लाइन कनेक्ट करेंगे और हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। दूसरा ये सिलेंडर था। और तीसरा हमें जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन है इससे हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। तो जो मरीज को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम जो हमारे पास जो डिवाइसेज है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की, तो उनमें रहेगा नेजल प्रॉन्ग जिसको हम नेजल कैनोला बोलते हैं, और दूसरा रहेगा सिंपल फेस मास्क तो उसके माध्यम से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, और तीसरा रहेगा नॉन रीब्रीथिंग मास्क तो उसके माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक रहेगा वेंचुरी मास्क तो इनके माध्यम से हम ऑक्सीजन मरीज को डिलीवर कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से कितने ऑक्सीजन और कितने FiO2 पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन चालू करेंगे। तो ये अभी हम जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं, और इसको चालू करने के लिए की लगेंगे हम। तो इसको की को इस ऊपर हेड में फंसा के और इसको एंटी क्लॉक करके खोलेंगे। तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ऑक्सीजन हम खोलेंगे और क्लॉक वाइज इसको बंद करेंगे। ये ऑक्सीजन को ओपन कर दिया है। ये रहेगा इसका मीटर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिलेंडर में कितना ऑक्सीजन है। तो मरीज को ऑक्सीजन देना है तो यहाँ से ये पोर्ट रहेगा, यहाँ से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं मरीज को। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेजल कैनुला के माध्यम से किस प्रकार से हम ऑक्सीजन देंगे। तो ये रहेगा नेजल कैनुला, इस प्रकार से रहता है, इसमें ये दो ओपनिंग बनी रहती है। तो इसको पेशेंट की जो नॉस्ट्रिल होती है तो उसमें फंसा देंगे। तो इस प्रकार से लगा के और ये दोनों को हम नेस्ट्रोल में डाल देंगे, जो नोज की नोस्ट्रोल है ये ओपनिंग वहाँ से लगा देंगे, कान के ऊपर से लेके और इस प्रकार से इसको टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन नेजल कैनुला के माध्यम से मरीज को दे सकते हैं, और इसके द्वारा जो FiO2 रहेगी वो 24 से लेके 44% तक FiO2 में हम ऑक्सीजन मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इससे मैक्सिमम 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इसका फायदा ये रहता है कि इसको लगाने के बाद में मरीज आसानी से बात कर सकता है, खाना खा सकता है, तो ये इसके बेनिफिट रहते हैं। अब हम अगला जानेंगे सिंपल फेस मास्क के द्वारा हम किस प्रकार से ऑक्सीजन मरीज को प्रोवाइड करेंगे। सिंपल फेस मास्क और इसके द्वारा भी हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, और ये प्लास्टिक का बना रहता है, ये दो साइड में ओपनिंग रहेगी और ये रबर बैंड रहेगा जिससे हम इसको पेशेंट के मुंह पे लगा के और उसे टाइट कर देंगे, और इसमें ये एक स्टील की ब्लेड लगी रहती है पत्ती, तो इससे थोड़ा नॉस्ट्रिल पे इसको टाइट कर देंगे ताकि जो ऑक्सीजन है वो साइडों से लीक ना हो। और इसके माध्यम से हम 35 से लेकर 60% तक FiO2 पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इससे हम मिनिमम 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दे सकते हैं मरीज को। ये रहेगा हमारा नॉन रीब्रीथिंग मास्क, और ये प्लास्टिक का बना रहता है, और इसमें एक ये बैग बना रहता है पीछे की साइड में, और इसमें 1 लीटर जो ऑक्सीजन है वो इसमें स्टोर हो जाती है, और ये भी सिंपल फेस मास्क की तरह होता है, और इससे हम 95 से लेकर 100% तक ऑक्सीजन जो FiO2 है उस पर प्रोवाइड कर सकते हैं मरीज को, और जो ऑक्सीजन देंगे वो 6 से 15 लीटर ऑक्सीजन इसको 1 मिनट में हम प्रोवाइड कर सकते हैं मरीज को। तो हम जानेंगे वेंचुरी मास्क के बारे में। तो ये भी सिंपल फेस मास्क की तरह आता है, लेकिन इसमें नीचे अलग से एक डिवाइस लगी रहती है, ये अलग अलग कलर की रहती है, तो इससे हम अलग अलग FiO2 पे मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम 4 से लेकर 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन दे सकते हैं, और जो FiO2 की जो रेट रहेगी वो 40 से 50% रहेगी, मतलब जो हम एयर प्रोवाइड करेंगे उसमें 40 से 50% ऑक्सीजन उसमें उपस्थित रहेगी। और ये अलग अलग प्रकार के कलर के रहते हैं, तो ये अलग अलग FiO2 पे हम ऑक्सीजन दे सकते हैं।
जो ब्लू कलर का रहेगा इससे हम 24% FiO2 पे एयर प्रोवाइड करेंगे। जो ब्लू कलर के वेंचुरी मास से जो हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो वो 24% FiO2 पे पेशेंट को मिलेगी, और येलो से हम 26% FiO2 पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। वाइट से 28% रहेगी, ग्रीन से 30% रहेगी, पिंक से 35% रहेगी, और ऑरेंज से हम जो एयर प्रोवाइड करेंगे उसमें 40% ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी। तो इस प्रकार से हम अलग अलग डिवाइस से मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनमें आज हमने जाना नेजल कैनूला के बारे में, सिंपल मास्क के बारे में, और नॉन रीब्रीथिंग मास्क के बारे में, और वेंचुरी मास्क के बारे में। इसके अलावा और भी डिवाइसेस रहती है जिनसे हम मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वेंचुरी मास्क के अलावा रहेगा ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन टेंट, अम्बु बैग, ट्रेक्योस्टोमी कॉलर, टी पीस। तो इनके माध्यम से भी हम ऑक्सीजन मरीज को दे सकते हैं। अब हम जो ऑक्सीजन देते हैं तो उसको किस प्रकार से सेट करेंगे, तो यहाँ पे ये नंबरिंग दे रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से लेके 5 तक नंबरिंग दे रखी है इसमें। ये 1 से लेके 5 तक दे रखी है, तो ये लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन हम दे सकते हैं। और इसमें एक काला सा एक ये गोला बना हुआ है, तो इस हिसाब से हम यहाँ सेट कर देंगे। यदि हमें 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देनी है तो इसको 5 पे कर देंगे और पेशेंट को ये मास्क लगा देंगे, तो ये 5 लीटर पर मिनट पे मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा।